हरियाणा विधानसभा चुनावों में अंबाला कैंट एक हॉट सीट है, क्योंकि 5 बार के विधायक और वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिल विज इस बार भी बीजेपी के टिकट से मैदान में हैं और इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। अनिल विज अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अनिल विज जब भी विधायक रहे तब उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन इस बार उनकी सरकार भी बनी और वो खट्टर कैबिनेट में मजबूत मंत्री भी रहे। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। अंबाला छावनी में कभी किसी सरकार ने विकास नहीं करवाया और इन 5 सालों में 1825 करोड़ रुपये का विकास मैंने करवाया। हम जो असली नकली कांग्रेस की दो देवियां घूम रही हैं, हम उनसे भी यही पूछ रहे हैं कि आजादी के अधिकतर साल तो कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। इस शहर के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास काम कराया वो बताएं। हमने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, वो कांग्रेस के 55-60 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करें तो उन्होंने अंबाला छोड़ने के लिए क्या कराया। नुकसान कोई नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, स्वतंत्र विचार सब रखते हैं, उनको ऐसा ठीक लगा तो कोई बात नहीं। कांग्रेस हमेशा से संपूर्ण थी और संपूर्ण ही रहेगी। जो आज तक हमने अंबाला में उठाए, जिसके अंदर आता है कि अंबाला के जितने भी इकोनॉमिक सेंटर्स थे, चाहे वो साइंस इंडस्ट्री थी, सदर बाजार था, इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या करा गया है, क्या नहीं करा गया है, और इनको पीछे करने के लिए जो नेगेटिव स्टेप्स उठाए गए हैं उनको हम रिवर्स करें। इसी तरह से मुद्दा हमारा रहेगा कि अंबाला आज भी अनिल विज जी के 25 सालों बाद और ये जो कथित 1800 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया 5 सालों में लगा है, इसके बाद भी अंबाला कूड़ेदान का कूड़ेदान क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ पे आवारा पशु सड़कों पे क्यों हैं और यहाँ पे हर बेसिक सिविक एमिनिटी चैलेंज्ड क्यों है। ये अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन जिसमें एक एक सड़क 5-5 बार बर रही है, ये सड़कें नहीं बनाई जा रही है, गंगा बहाई जा रही है, कौन कौन इसमें नहाता है, कौन कौन इसमें से डुबकियाँ लगाता है, गॉड नोस। और अंबाला में जो ज़्यादा स्ट्रेस डेकोरेशन पे रहा वर्सेस डेवलपमेंट, करोड़ों के गेट, फव्वारे, पार्क बनाए जा रहे हैं, जब हमारी हर आंगनवाड़ी, हर स्कूल, हर कम्युनिटी सेंटर, हर बाल भवन जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इंडस्ट्री आज वेंटिलेटर पे आ चुकी है और इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों के साथ जाएंगे एंड हम उनसे अपनी जो विजन शेयर कर रहे हैं कि अर्बन अपग्रेड हो, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंकिंग, क्योंकि देखिए नया शहर बनाना आसान होता है, पुराने को ठीक करना मुश्किल, बट एक लोगों की सांझ हो उस डिसीजन के अंदर, तो ये हमारा ऑफर है, ये हमारे सवाल हैं, इसी ये जागरूकता हम लोगों में जगाना चाहते हैं एंड हम ये आशा करते हैं कि विपक्ष तो हम अनिल विज जी का हमेशा हम ही रहे, जो टीम आज यहाँ खड़ी है मेरे साथ। अनिल विज अपने द्वारा करवाए गए 1825 करोड़ के कार्य को लेकर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी वेणु अग्रवाल और कांग्रेस से बागी हुई पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा पर अपने अंदाज में तंज भी कस रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि वे असली नकली कांग्रेस की देवियों से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने अपने समय में काम क्यों नहीं करवाए। अंबाला से न्यूज के लिए कृष्णा बाले की रिपोर्ट।